नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के प्रसंग से। काठमांडू, मकवानपुर और नवलपरासी में भेल अलग अलग सवारी दुर्घटना में 3 जना के मृत्यु भेल। कैलाली में बस दुर्घटना भेला से 25 जना घायल भेल। काठमांडू के मैती देवी में बीतल रात 82 पर 4876 नंबर के स्कूटर बिजली के पोल में ठकरेला से अंदाजी 25 वर्षक एक पुरुष के मृत्यु भेल। मादक पदार्थ सेवन कर स्कूटर चलेले से दुर्घटना भेल ट्रैफिक प्रहरी जनौलक। ओकर परिचय खोज बाकी रहल। मकवानपुर के हेटौड़ा उप महानगर पालिका 7 में टैंकर के ठक्कर से मुगू के 19 वर्षीय सुरेंद्र परियार के मृत्यु भेल। पैदल यात्री परियार के नादू ख 4846 नंबर के टैंकर ठक्कर देने छल। नवलपरासी पश्चिम के हरकट्टा में लू 1 ख 6799 नंबर के माइक्रोबस के ठक्कर से स्थानीय प्रकाश परियार के मृत्यु भेल। कालीकोट से महेंद्र नगर जायत काल यात्रुवाहक बस आई भोरे कैलाली के कुचैनी में दुर्घटना भेला से 25 जना घायल भेल। ना 6 ख 2854 नंबर के बस भोरे कुचैनी पुल नजीक दुर्घटना में पड़ल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा करार में कर्मचारी भरना संबंध में विधेयक बहुमत से पारित कल। काल बैसल प्रदेश सभा के बैसार सार्वजनिक प्रशासन के लिए करार में कर्मचारी भरना संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 बहुमत से पारित कल। प्रदेश सभा में ध्वनि मतक आधार में करार विधेयक पारित कल। फोरम राजपा नेपाली कांग्रेस विधेयक के पक्ष में आ नेकपा विपक्ष में ठाड़ भेल। संशोधन हो पिछला दिन कानून भले संशोधन ही मिलने पेश करो प्रस्ताव पक्ष हमने मान्य सदस्य भन्नभाले सभी पक्ष हमने मान्य सदस्य भन्नभाला यह प्रस्ताव को पक्ष हमने मान्य सदस्य पिछला दिन कानून भले संशोधन पेश करद यह प्रस्ताव को पक्ष में हमने मान्य सदस्य भन्नभाला यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्छेहरूले हुन भन्नु होला करारले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। यो मुद्दे वर्तमान कर्मचारीको अवस्थालाई हेर्दा हामीले करारले ल्याउनु पर्छ यहाँका बेरोजगार युवालाई राख्नुपर्छ भन्ने यो तत्कालको लागि मानसिकता होइन। म यहाँले प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँ सबैले दुई दिन पहिले कान्तिपुरमा अपना सब दर्ता कराने संशोधन प्रस्ताव के व्यवस्था केने कहते नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति असंतुष्ट रहे आयल छल। नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति अपन सबक विमति नहीं रहलो पर संशोधन प्रस्ताव ऊपर परामर्श कैल जेबाक मांग रखे आयल छल। कैलक विचार में नेकपा संशोधन प्रस्ताव फिरता नहीं लेला बाद सभामुख सरोज कुमार यादव करार विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छले। करार संबंधी विधेयक पारित भेला संगे प्रदेश नंबर 2 के सरकार करार में कर्मचारी भरना कऽ पेबाक मार्ग खुजल। ऐसा पहिने विधेयक ऊपर के प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत करार संबंधी विधेयक मनक इच्छा नहीं भक बाध्यता रहल बतौलन। कर्मचारी अभाव में आर्थिक वर्षक प्रथम चौमासिक बितलो पर बजट खर्च होब नहीं सकल जिक्र करैत अगला दिन में हो वाला और संकट के हटाव विधेयक आना पड़ल बतौलन। स्वतंत्र मधेश गठबंधन काल रंगभेद विरोधक दिवस मनौलक। मधेशी सब संग रंगक आधार में नेपाल सरकार विभेद करैत आयल दावी करैत गठबंधन रंगभेद विरोधक दिवस मनबैत आयल। विक्रम संवत 2071 साल अघन 10 गते गठबंधन काठमांडू खुला मंच में केने कार्यक्रम के क्रम में रंगक आधार में करीब 300 मधेशी सबके धरपकड़ केने घटना के वार्षिक रूप में गठबंधन एहि वर्ष सेहो रंगभेद विरोध दिवस मनौलक। एहि दिवस के अवसर में काल मधेशक विभिन्न जिला में प्रदर्शन कयल गेल छल जैमे धनसाक सबेला नगरपालिका भटियन से 3 कार्यकर्ता पकड़ायल छल। विभिन्न नगरपालिका परिक्रमा कला बाद कौन सभा भ रहा समय ओकरा सबके प्रहरी पकड़लक। ओहि बीच सप्तरिक राजविराज में सेहो स्थानीय 3 नेता स्वतंत्र मधेश गठबंधन के पकड़ायल। धनसा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल। इनसे एक धनसा काल पत्रकार सम्मेलन कर धनसा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कार के शिकार भेल ऐसा 10 महिला ऊपर बलात्कारक प्रयास भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2019 के लिए वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम में तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल।
तथ्यांक अनुसार एहि अवधि में गैर राज्य पक्ष से 6 महिला आ 5 पुरुष लगाकर 11 गोटे के हत्या भेल अछि। तहिना डायनक आरोप में 6 महिला के मारपीट, 6 महिला के मानव बेचबिकिन तथा अचार पसार, महिला हिंसा 47 गोटे ऊपर, सार्वजनिक अपराध 2, बम विस्फोट में 1 गोटे घायल, बाल विवाह 1 गोटे सहित 72 गोटे हिंसा पीड़ित रहल अछि। जनकपुर धाम में मापदंड विपरीत संचालित 3 पाइन उद्योग काल सीलबंदी कयल गेल अछि। संयुक्त अनुगमन के क्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 7 जयप्रकाश चौधरी संचालन के ने अंबर धारा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 8 स्थित प्रभुनंदन शाह संचालन के ने महामाया धारा प्राइवेट लिमिटेड आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 4 स्थित अजित कुमार राय संचालन के ने ग्लोबल एकता पाइन उद्योग सीलबंदी कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह जानकारी देलन। ऐसे पहिने रवि दिन जनकपुरक 0 माइल में मोहम्मद कमाल संचालन के ने स्टाइलिस्ट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड आ जनकपुरे के महुआ कपलेश्वर में धर्मनाथ मंडल संचालन के ने गंगाजल पाइन उद्योग में सीलबंदी कयल गेल छल। धनुषाक लक्ष्मीनिया गांव पालिका में खुला दिशा मुक्त पूर्ण सर सफाई अभियान शुरू भेल अछि। खुला शौचमुक्त घोषणा कयल पर पूर्ण रूप में सफल होबय नहि सकल निष्कर्ष निकालैत लक्ष्मीनिया गांव पालिका ई अभियान शुरू कयलक अछि। अभियान शुभारंभ के क्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषाक उपसभापति संतोष यादव एखनो 15-20% लोग खुला शौच करैत आयल कहत ई गांव पालिका के पूर्ण साफ बनेबाक अभियान में सभक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। केकर माने अभियानी भग गई सब लोग अभियान के कर्ता भग गई ते द्वारे आज जे हमरा अहाँ के समाज के नियम कानून के उल्लंघन कोई व्यक्ति करे छे 100 में यदि 10 को करे छे वही 10 गो के दंड जरमाना के सब व्यवस्था निश्चित रूप से करे पड़ते। यदि वो जबरदस्ती जानी जानी करे छे तब से हमरा खुशी जाहिर करे छी। देखिए कार्यक्रम में लक्ष्मीनिया वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष फुलगेन यादव सर सफाई अभियान की तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता जनौलने छ। हमरा यहाँ हो अतबे हम अपन दू शब्द कहैत सर सफाई बढ़िया से राखू ताकि कोनो किस्म के रोग आबे वाला दिन में कोनो बच्चा के होय नहीं कोनो हमरा यहाँ हो अतबे हम अपन दू शब्द कहैत। कार्यक्रम में फॉर्मक नेता नथनी यादव लगायत के उपस्थिति छल। ओहि क्रम में गांव पालिका के पदाधिकारी सब नेता सबक संगे स्थानीय वासी विभिन्न स्थानक सर सफाई केने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल प्रहरीक प्रहरी सहायक निरीक्षक असै तहक प्रदेश स्तरीय खुला तथा समावेशी दिस प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा काल्हि से शुरू भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 स्थित संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर धाम में परीक्षा शुरू भेल अछि। परीक्षा में सहभागी सबके लोक सेवा आयोगक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रवेश पद पूर्ति उप समिति से परीक्षा लेबाक कार्य शुरू भेल अछि। काल्हि से असै पद में देशभर में कुल 524 दरबंदी के विज्ञापन भेल संगे प्रदेश नंबर 2 में मात्र 1661 गोटे आवेदन दिलक अछि जैमे से महिला के संख्या 59 मात्र रहल अछि। परीक्षा अघन 19 गते धरि चलत। सप्तरीक मालपोत कार्यालय में कर्मचारीक चरम अभाव भेला से सेवाग्राही समस्या में पड़ल अछि। एक महीना से कार्यालय प्रमुख सेहो नहीं भेला से समस्या और बढ़ल अछि। कार्यालय में 42 गोटे के दरबंदी में 13 गोटे मात्र कार्यरत अछि। कर्मचारी अभाव भेला बाद दैनिक कामकाज प्रभावित बनल संगे महत्वपूर्ण फाँट सब बंद रहते आयल अछि। कर्मचारी अभाव में एक कर्मचारी 2-3 फाँट दे देखय वाला अस्थायी व्यवस्थापन कयल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख नहीं भेला से दाखिला खारिज नामसारी आ संशोधन मुद्दा लगाया काज एक महीना से ठप्प रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश निर्माण में सहभागी होबय सबके फिर से आह्वान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सरकारक असगर प्रयास से मात्र देश बनाबय नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि अछि। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद के प्रथम बैसार के संबोधन करैत देश के आर्थिक विकास में सकभर सहयोग देबय उद्योगी सबके आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश में आर्थिक उन्नति के लिए सुशासन आर्थिक विकास में जोर देने से हो दोहरौलन। प्रधानमंत्री ओली देश के जल्दीए उच्च आर्थिक वृद्धि दर वेल देश बनाब सकबाक महत्वाकांक्षी योजना से हो सार्वजनिक कयलन। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी अपना संग के ने समझौता पूछ 2 गते धरि पूरा कर सरकार के अल्टीमेटम देलन। काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कह बीतल साउन 10 गते सरकार संग भेल समझौता पूछ 2 गते धरि पूरा नहीं भेला पर फेर से आमरण अनशन में बैसबाक चेतावनी समय देलन। सातों प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोजबाक काज में विलंब कर से हो सरकारक वरिष्ठ चिकित्सक सचेत करौलन। 15 आमरण अनशन के क्रम में केने सहमति एखनो पालन नहीं भेला से आपत्ति जनबैत समझौता बमोजिम संघीय संसद से अविलंब राष्ट्रीय चिकित्सा आयन पारित कर मांग कयलन। नया शक्ति पार्टी नेपालक नेता तथा कार्यकर्ता सब निर्मला पंतक परिवार के 1,00,000 रुपया सहयोग उपलब्ध करौलक अछि। निर्मला के बाबू यज्ञराज पंतक मानसिक स्वास्थ्य में समस्या देखला बाद इलाजक लेल काठमांडू आनल गेल अछि।
संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई काल्हि शिक्षण अस्पताल पहुँचकर निर्मलाक बाबू के भेंट कलन। संगे नया शक्ति पार्टी के ऑस्ट्रेलिया में रहल समर्थक पठौने 1,00,000 रुपया हस्तांतरण कलन। भट्टराई निर्मला सभक बेटी भेल कहत न्यायक लड़ाई में अपन साथ रहबाक बतौलन। अपन समाचार में फिर विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बांकी के प्रसंग। ऑनलाइन प्रणाली में तत्काल सुधार कर मांग करते शेयर लगानीकर्ता सब नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय घेराव कल। शेयर बाजार में सुधार करवा घोषणा सहित कार्तिक 20 गते से शुरू कैल गेल ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं अला बाद लगानीकर्ता सब अपन संपत्ति के सुरक्षा मांग करते काल भोरे भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय घेराव कल। शेयर लगानीकर्ता सब ई ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं अला धर आंदोलन जारी रखवा चेतावनी दिलक। सरकार बीतल कार्तिक 20 गते से शुरू कैले ऑनलाइन प्रणाली काज नहीं कला बाद लगानीकर्ता सब आंदोलित भेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस काठमांडू निजगढ़ दूतमार्ग निर्माण काज तत्काल रोक सरकार संग मांग कलक। नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू ललितपुर स्थित खोकना बुंगमती लगायत के स्थानीय जनताक मांग के संबोधन नहीं कला धर ई दूतमार्ग निर्माण काज आगा नहीं बढ़ाव सरकार संग मांग कलन। दूतमार्ग निर्माण संबंधी संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में खोकना आ बुंगमतीक जनता मांग तत्काल संबोधन नहीं कला धर ई आयोजना भयावह मोड़ लेब सकबाक दिस सरकार के सचेत करौलन। प्रदेश नंबर 2 स्तरीय 19 हीरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता अघन 17 से होबय लागल। हीरोज स्पोर्टिंग क्लब कंचनपुर नगरपालिका 3 बरमझिया के आयोजन में 17 गते से 25 गते धरी प्रतियोगिता होबय लागल। प्रदेश में फुटबॉल खेलक विकास में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से आयोजन होबय लागल प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के टीमक सहभागिता रहबाक आयोजक समिति पत्रकार सम्मेलन क के जानकारी दिलक। अपन समाचार एखन लैत हुए पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।